पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। संगीत रागी जी, तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना है, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि दलित विचारकों में भी बहुत दिनों से पहले से आवाज आ रही थी कि दलितों के अंदर भी आरक्षण के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए। दुम करो जी। क्योंकि कुछ ही दलितों के अंदर जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ उठा पाती हैं, जो मुसहर, जो डोम, बाकी अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए था। अच्छा, ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति दर्ज कर चुकी है, और प्रधानमंत्री जब डेलीगेशन मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और आरक्षण की जो व्यवस्था है वो वैसी ही चलती रहेगी। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन मूल जो ये चीजें हैं वो एक सोचने वाली बात है। क्या रामविलास पासवान के बेटे को उतनी ही आरक्षण की जरूरत है जितना एक डोम या एक कोई और व्यक्ति जो है वो निचले स्तर पर जाकर के समाज के अंदर है? क्या उसको उसकी उतनी ही आवश्यकता है? एक मुसहर का बच्चा जो आरक्षण का आज तक लाभ ही नहीं ले पाया है। तो क्या नाचोगे? मनोज सिंह काका जी, अब आपके पास आते हुए, सड़कों पर लोग उतरे, विरोध किसके खिलाफ था? एक हमारे तरफ कहावत है कि जाके पैर ना फटी बेवाइसों का जाने पीर पर आई। अच्छा, जो सवाल है, देखिए हमारे एक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो संवैधानिक पीठ ने जो बात कही है 7 जजों की बेंच ने, उससे बड़ी बेंच जब 9 जजों की इंदिरा साहनी की जो बेंच थी और 9 जजों की संवैधानिक बेंच थी, ठीक है, उसने कहा था कि इस देश में जो आरक्षण का आधार है वो कभी आर्थिक नहीं हो सकता, वो सामाजिक और शैक्षणिक है। जो वर्गीकरण के खिलाफ जो आंदोलन, और जो आंदोलन तो इस देश का, अब सुप्रीम कोर्ट के साहब वकील हैं बड़े भाई, इनको कम से कम आर्टिकल 19 पढ़ के आना चाहिए। अच्छा, कि इस देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से इस देश में किसी भी कानून और किसी भी अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो और अपनी आवाज को बुलंद करे, सड़क से लेकर सदन तक उसको अधिकार है। समझ रहे हो आप? और उसी अधिकार का इस देश के बहुजनों ने आज पालन किया, उसमें समाजवादी पार्टी शामिल है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या इस देश के उच्चतम न्यायालय में, क्या इस देश के पत्रकारी संस्थानों में, ये पूरा देश जानना चाह रहा है, क्या इस देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, क्या इस देश के शैक्षणिक संस्थानों में दलितों का जो आरक्षण है वो तो जब संविधान बना तुरंत लागू हुआ 21%। अरे देवा, क्या 21% सुनिश्चित है? नहीं है। उनकी अगर आप भागीदारी देखेंगे तो देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5 प्रोफेसर दलित नहीं है। चित्रा, कौन लोग जिम्मेदार होंगे? हमको नहीं पता। जो बातें कोर्ट के भीतर से निकलकर बाहर सामने आई हैं, हमें देश को वो बताना है। मनोज जी, हमें यहाँ पर बांटना नहीं है आपस में जातियों, और फिर जातियों के भीतर भी जातियों को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चित्रा सुनिए, सिर्फ सरकारी पक्ष ना पढ़िए। गजब बेइज्जती है। अरे एक सेकंड सर, मिस्टर मनोज सिंह काका, मैं आपत्ति जताती हूँ। मैं यहाँ पर CGI ने क्या कहा है वो बातें कह रही हूँ। कहाँ पर BJP का नाम लिया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। खत्म।